बिहार विधानसभा में राजद गठबंधन की सरकार हटने के बाद बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बिहार के हर जिले में जन विश्वास यात्रा पर निकले हैं, जहां क्षेत्र के जनता से सीधे कनेक्ट होकर अपनी बातें रखेंगे। साथ ही जनता की राय भी जानेंगे। आगामी 22 फरवरी को पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी की जन विश्वास यात्रा को लेकर महाराजगंज में राजद के समीक्षक के साथ तैयारी को लेकर एक बैठक की गई है, जहां रामू मुखिया के आवास पर राजद की बैठक जिलाध्यक्ष विपिन कुशवाहा, सुशील कुमार, राजेश किशोर गुप्ता के नेतृत्व में आयोजित की गई है। राजद की बैठक में यह निर्णय हुआ कि पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी के जन विश्वास यात्रा को ऐतिहासिक बना देना है। उनके कार्यकाल के विकास की भी चर्चा हुई। हर हाल में 2025 में तेजस्वी को बिहार के मुख्यमंत्री बनकर ही दम लेंगे, वही संकल्प भी लिया गया। और राजद कार्यकर्ता द्वारा तेजस्वी ने जो भी वादे किए उन्हें पूरा किया है, साथ ही नौकरी भी दी है। बिहार को विकास पर ले जाना है और तेजस्वी को लाना है। भाजपा की सरकार सिर्फ छलावे कर रही है, सही विकास तेजस्वी के नेतृत्व में हुआ है। आज राजद की बैठक में नेतृत्व में हो रहा है इसकी, देखिए ये जो आरजेडी का जो बैठक अभी हम लोग आपस में कर रहे हैं, वो आगामी 22 तारीख को जो सिवान में हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का जो प्रोग्राम है, हमारे ऊर्जवान जिला अध्यक्ष श्री आदरणीय विपिन कुशवाहा जी के नेतृत्व में हम लोग चाहते हैं जो हमारे प्रखंड से हजारों के हजार की तादाद में सिवान हम लोग पहुँचे और मान सम्मान इनका रहे और कार्यकर्ताओं का उत्साहित और बढ़े। आज राजद जी के बैठक में शामिल हुए हैं जी हमारे जिला अध्यक्ष विपिन कुशवाहा जी, हम सब कार्यकर्ता मिलजुल के हमने के देखेंगे तेजस्वी जी के प्रोग्राम पर 22 तारीख के अभी तो मैं नेता प्रतिपक्ष बनी वहाँ के हमने 2025 के वहाँ के मुख्यमंत्री मैंने बनी नहीं नो आवे 2025 के हमने वहाँ के मुख्यमंत्री हमने के पूरा बिहार मान चुकल बा एकदम हमके अच्छा से स्वागत के लिए 22 तारीख हमने तैयारी में बने। आज रात की बैठक में आप शामिल हुए, इस बैठक में कारण? आज अध्यक्ष जी आए हैं बैठक करने के लिए, हम लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं कि आगामी 22 तारीख को जो तेजस्वी जी का कार्यक्रम सिवान में होने जा रहा है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैसे पहुँचे, क्योंकि हमारे नेता को सुनने और जानने के लिए, समझने के लिए, उनके बातों को सुनने के लिए बहुत सारे लोग जाने के लिए तैयार हैं। तो इन सारी मुद्दों पर हम लोगों ने आज चर्चा किया कि कैसे कैसे लोगों को वहाँ तक हम लोग पहुँचाने का काम करें, सुरक्षित पहुँचाने का काम करें, इसी सब को लेकर के आज की चर्चा थी। आज बैठक में शामिल हुए हैं राजद की बैठक में, वहीं तेजस्वी यादव का आगमन है। देखिए बिहार के भविष्य और जन जन के नेता और युवा दिल के दर्द बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का 22 तारीख को सिवान में आगमन हो रहा है, जिसमें जन विश्वास रैली का कार्यक्रम चल रहा है। और यहाँ महाराजगंज में आज हमारे मेन विंग के जिला अध्यक्ष भी पहुँचे हुए हैं। हम लोग का यही कोशिश है कि हजारों हजार की संख्या में हम लोग कार्यक्रम में पहुँच करके उनके कार्यक्रम को सफल बनावें, इसके लिए हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं। और हमें आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि तेजस्वी जी से ही पूरे बिहार को उम्मीद है और युवाओं को उम्मीद है, और इस उम्मीद पर वो खड़े उतरे हैं। उन्होंने बताया कि मैं जब मुख्यमंत्री बनूंगा तो 10 लाख रोजगार दूंगा। आप देखिए जो जो विभाग हमारे नेता प्रतिपक्ष को सरकार के कार्यकाल में था, वही विभाग में उन्होंने नियुक्तियां निकाल करके और इस बिहार के नहीं पूरे देश के लोगों को नौकरी देने का बिहार में काम किया है। और ये जो चुनाव आने वाला है, ये धर्म और मायावी लोग से हम लोग को लड़ना है, और इसमें जनता इस बार बढ़िया से जवाब देगी। और हम लोग को पूरा उम्मीद है कि आने वाले समय में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में सरकार चलेगी और पूरे बिहार का विकास होगा।